जी तो मैंने कहा अब मैं झाड़ू लगा लूँ, बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। तो देखें इतने भर भर के ना यहाँ फूल निकलते थे, तो अब ये चार पांच इस पर हैं, दो तीन इस पर हैं। थोड़ी सी सर्दियाँ क्या आई हैं, इसके तो फूल भी ब्रेक लग गई है। मर्जीन की गर्मियाँ आएंगी तो फिर इसके फूल आएंगे। तो झाड़ू देने से ना, सफाई करने से फिर जाकर यहाँ पर बस दो ये तीन बच्चे हुए हैं, थोड़े से फूतने के जगह सूख गए हैं। अब यहाँ नया फूतना लगाऊंगी, तो मैं वो लगाती हूँ जो बाजार मूल सब्जी के साथ आता है ना, तो वो वाला फूतना मुझे अच्छा लगता है। तो वो भी कुछ मौसम गर्म है ना तो नहीं लग पाएगा, तो थोड़ा इसलिए लेट कर रही हूँ। तो देखें इस अंजीर के पत्ते देखें, तो जब हमने लगाई थी तो बस लगता था जो सूख जाएगी, शुक्र है अल्लाह ने इसे हरा भरा कर दिया है। अल्लाह चाहे तो वो हर चीज़ को हरा भरा कर सकता है, इस तरह से इंसान की ज़िंदगी को भी हरा भरा कर सकता है। और ये फूदना जो है ना, इसकी खुशबू बस मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे डब्बे में पड़ा है वैसे ही पड़ा है। तो दो किस्म का होता है ना फूदना, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा जे मैंने थूम लगाया था तो वो भी उगाया है। तो इधर थोड़ा सा इधर से भी लगाया था। तो अभी जो मैंने धनिया लगाई है ना, तो वो धनिया नहीं हो रही। तो ये बहुत छोटा सा बूटा है ना नींबू का, तो ये लटका हुआ है, इसके ऊपर फल बहुत ज़्यादा है ना, तो ये लटक गया है। ये देखें इसके ऊपर एक टहनी पर बहुत सारे नींबू है ना, तो ये छोटा सा है, इसका वज़न भी नहीं उठा सकता। इसी तरह से इसकी टहनियाँ ये जो है ना, ये भी लटकी हुई हैं। इस पर तो कुछ सफ़ेद फूल आ रहे हैं, पर ये ख़त्म हो जाएगी, पिछले सर्दियों में भी ये ख़त्म हो गई थी, तो ये ख़त्म हो जाएगी, वो रह जाएगी। देखिए जो धनिया लगाई थी ना इसमें, तो वो थोड़ी सी उगी है, जो बीज बोया था ना, तो और धनिया लगानी पड़ेंगी, पूरी भर के नहीं उगी। उगाती तो बहुत अच्छा था, भर जाता ये। अच्छा ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह आप ठीक हैं? हाँ। आपका गला ठीक नहीं हो रहा अभी, आप ठीक नहीं हो रही। हाँ, कुछ दवाई अच्छी सी लो। हाँ, कुछ गोली आती है मुझे रात से ही आती नहीं आती। हाँ, अंग्रेजी दवाया इतने खाती रही हूँ इसलिए। दूध बहुत सारा पी लेना ऊपर से। हाँ। ठीक होगी ना, दवाएं खाने से ही ठीक होगी, ऐसे तो नहीं होगी ना। हाँ, ये है। आपके बच्चे आज उनकी तबीयत भी सही ना थी, वो स्कूल नहीं गए। हाँ, एक के पेट में दर्द था। अच्छा, सुबह सुबह कहने लगा कि आज स्कूल नहीं जा रहा। ठीक है, तो आज आप अपनी आजकल वीडियो डाल रही हो या नहीं डाल रही? नहीं, अभी छुट्टी करो।
तुम तो बहुत ज्यादा छुट्टियां करती हो ना, कोई एक छुट्टी थोड़ी होती है तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे दोनों बच्चे भी ऐसे हैं, तुम भी ऐसी हो, छुट्टियां बहुत करते हो। हाँ दिखाऊंगी कैसे जी। आज मरसलिन की तबीयत सही ना थी तो स्कूल नहीं गया, तो अब नान चने खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, तो मोबाइल एक टूटा फूटा क्या हाथ लगा है कि उसको बस गेमों को लगा रहता है, खाने पीने कभी से होश नहीं होता। तो अभी की अम्मी आई है ना, तो उसने इससे हाथ से वो मोबाइल खींचा है, तो तब जाकर ये नाश्ता कर रहा है। ये तो बच्चों का हाल है, बच्चों को गेमें खेलनी भी नहीं देने चाहिए, ये ना पागल हो गए हैं। उसको देखो, अब उसने वो मोबाइल ले लिया है, वो लगा हुआ है। सलाम इनसे कहो ना, इन दोनों को शर्म आती है, बस इसी काम को लगे रहते हैं गेम खेलने में। तो यहाँ पर हमारा गुड्डू बैठा है, तो हाँ मरसलीन मरसलीन कैसे हो, ठीक हो? रोटी तो खा लेंगे पहले, दुनिया बना रही हूँ। हाँ जरूरी थी ना, इसलिए बना रही हूँ। कैसे खाना खा रहा है, कैसे नाश्ता कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आपको तमाम दुनिया की खुशियाँ मिले, देश में हो या प्रदेश में हो, तो आपका जहाँ भी हो सद सलामत रहें, आपको कोई परेशानी कोई गम ना आए, आपको अल्लाह पाक सद सलामत रखे, आपकी औलाद को सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, तमाम कुल मोमिनीन को, तमाम मेरे बहन भाइयों को और हमारे पाकिस्तान को सबको अल्लाह पाक हर मुसीबत से बचाए, अल्लाह पाक आपको बद नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक आपको हर खुशियां दे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, अल्लाह पाक जो दुख और मुसीबत में है तमाम मुसीबत अल्लाह पाक दूर फरमा दे, अल्लाह पाक मेरे प्यारे बहन भाइयों को अल्लाह पाक हर मुश्किल से बचाना, अल्लाह पाक तू ही तू है, तेरी ही रहमत के, तेरी ही हर मुश्किल कुशा तू ही है, तेरे बिना हमारा और प्यारे नबी के सिवा कोई नहीं है। इस दुनिया में तो बस सब झूठे सहारे हैं, जो आगे हम जाएंगे तो आगे कोई भी साथ किसी का को नहीं देगा हमारे नबी के अलावा। तो अल्लाह पाक हमें आखरत की हर मुश्किल से बचाना, अल्लाह पाक आखरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे बहन भाइयों को बचाना आखरत से वाली मुश्किल से, अल्लाह पाक सबको हिदायत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इस दुनिया में जो बुराई भी है ख़त्म हो जाए, तो मेरे प्यारे बहन भाई सदा सलामत रहें। तो आमीन। कैसे हैं मेरे बहन भाई, ठीक हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें, तो आपको अल्लाह पाक तमाम खुशियाँ दे। तो बस जैसा तैसा वक्त जो होता है किसी का नहीं रहता, वो तो गुजर जाता है, अल्लाह पाक बस हमारी औलाद को सलामत रखे, सबकी औलाद को सलामत रखे। तो बस अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, अजीब अजीब बस वो हो गया है, पहले कभी सुना था डेंगू हमारे, मेरी जो है ना हमारे मोहल्ले में एक बच्चा भी वो इस्लामाबाद किया हुआ था, तो उनका बाप जो है वो भोला हो गया था, वो नहीं कमाता था, माँ जो है दही भले लगा कर गुजारा करती थी, तो वो भी बीमार हो गई बेचारी, 5-6 महीने से कुछ भी नहीं कर रही। तो बेटा जो है वो इस्लामाबाद गया था,
ताकि कुछ ना कुछ कमा सके घर के लिए, अपने लिए, माँ का सहारा बन सके। तो वो वहीं पर बीमार होकर आ गया है। भी क्या बात है भाई, इसको ना डेंगू ने काट लिया है। तो बहुत ज़्यादा इलाज तो वो कर रहे हैं, तो ग्लूकोज बहुत सारे लगवा रहे हैं, ग्लूकोज लगे हैं 2-3 बोतलें, तो बहुत सारे मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो अल्लाह जल्द उनको ठीक करे। तो न जाने कैसे कैसे मुसीबतें आ गई हैं, कैसे कैसे ऐसे कभी जो ना सुने थे। तो अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे। तो अल्लाह पाक, कोरोना कभी सुना था, कभी कोरोना आ गया है, कभी डेंगू आ गया है, तो कभी कुछ आ है, कभी कुछ है। तो अल्लाह पाक इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से बचाए। जो जानवर हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा, पहले सुना था जो गाय है ना, यानी गाय के बछड़े, गाय वगैरह, उनको वो बीमारी हो गई है। अब सुना है कि भैंस, यानी कि भैंस मंझ, जिसका मंझ बोलते हैं, उसको भी होने लगी है। अल्लाह पाक इन जानवरों को, अल्लाह पाक ये तो बेजुबान है, अल्लाह पाक इनकी बीमारी भी दूर फरमा दे। तो कभी सुना था ऐसे जानवरों को बीमारी। तो 9-10 लाख तो हमारे जानवर बह गए हैं पानी में। जो मैं पानी में देखती थी बहता हुआ, तो मेरे दिल को कुछ हो जाता था। मुझे इन बेजुबान चीज़ों से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार आता है इन पर, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इनके ऊपर कोई भी वो होना, तो बेजुबान पर कोई भी परेशानी हो, मुझे बहुत टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है। तो हमारे यहाँ बाहर जो डॉग हैं, उनको कोई परेशानी हो, उनको कोई मार दे उनको रास्ते में जाते हुए, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो इसी तरह से अजीब से, बस जैसे जैसे इंसान का वो नहीं है, शुक्र नहीं करता और बहुत ज़्यादा हसद करता है, बहुत ज़्यादा जुल्म करने को इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इस दुनिया में, अफरा तफरी हो रही है। तो इसी तरह से बीमारियां भी उतनी इजाफे में हैं, तो टेंशनें भी इजाफा, टेंशनों में भी इजाफा हो रहा है। हर तरह से ऐसे मुश्किलें हो रही हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अल्लाह पाक ऐसे मुश्किलों से बचाए, ऐसे वक्त मुश्किल वाले से बचाए। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को बस सदा सलामत रखे। अल्लाह पाक हमको बस तेरे ही, तेरे बिना अल्लाह, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। हम सबको अल्लाह पाक रहम फरमा, हम सब पर अल्लाह पाक मेरे बहन भाई पर रहम फरमा, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमा, अल्लाह पाक हमारी मुश्किल दूर फरमा। तो अल्लाह पाक हमें नेक की तौफीक अदा फरमा। तो इतना एक है, तो बात इतनी है, पाक इस वक्त को सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक सबके लिए मुश्किल वक्त को आसान बना दे। अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को सलामत रखना। अल्लाह पाक मेरे बहन भाई को इस दुनिया में, उस दुनिया में अल्लाह पाक उनकी हर तरह से तेरी ही रहमत की ज़रूरत है, तेरी ही मदद की ज़रूरत है। अल्लाह पाक सबको, अल्लाह पाक सबके बच्चों को, उनके सदक़े में मेरे बच्चों को, सबको अल्लाह कोई बुरा वक्त ना दिखाना, क़यामत का दिन ना दिखाना। अल्लाह पाक, तो मिलूंगी अगली वीडियो में। प्यारे बहन भाई, आप सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।